अदू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल सदर मीज आसिफ खान दस्ती की जेरे सदारत काफिला लॉन्ग मार्च को वेलकम करने के लिए रवाना हो गया है। डिवीजन भर से जयालों के काफिले मुल्तान के लिए इस वक्त रवाना हो चुके हैं। इसी पर मजीद बात कर रहे हैं तैमूर अथर से, जी अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल पाकिस्तान पीपल पार्टी का लॉन्ग मार्च आज मुल्तान पहुंचेगा। कोटदू, लैया, डीजी खां और राजनपुर के जो जियाले हैं वो लॉन्ग मार्च को मुल्तान में वेलकम करेंगे। इस वक्त कोटदू से जो काफिला है वो मुजफ्फरगढ़ के लिए रवाना हो रहा है। पाकिस्तान पीपल पार्टी के डिविजनल सदर मीर आसिफ खान दस्ती की जेरे क्यादत कोटदू, लैया, डीजी खां और राजनपुर से जो काफिले हैं वो मुजफ्फरगढ़ पहुंचेंगे और उसके बाद मुल्तान के लिए रवाना होंगे। मेरे साथ डिविजनल सदर मौजूद है मीर आसिफ खान दस्ती। आप मुझे बताइएगा, आज जियाले जो है मुल्तान में लॉन्ग मार्च को वेलकम करने जा रहे हैं, इस वक्त कोटदू से जो काफिला है मुजफ्फरगढ़ के लिए रवाना हो रहा है, मुजफ्फरगढ़ से किस तरह काफिले जाएंगे और किस वक्त मुल्तान पहुंचेंगे? जी, इस जालिम हुकूमत के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले, वर्कर और हर तबके के लोग इस हुक्मरान के खिलाफ निकल रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा हो चुकी है कि अब लोगों का गुजर बसर नहीं है। लोग फाकों और खुदकशियों पर मजबूर हैं। वाहिद जमात पाकिस्तान खुदकशियों पर मजबूर हैं। तैमूर अथर, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान